here we have a first problem of higher order differential equation. The problem is b cube minus 6d square and plus 11d minus 6 equal to 0. So in this question, there is a y here bracket and y. एक्चुअली ये ऑपरेटर जो है ये है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब और ये है माइनस सिक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. तो वाई सब में कॉमन होता है, कॉमन लेके और फिर हम इजी सॉल्यूशन के लिए उसको राइट पे जीरो से डिवाइड करते हैं तो वाई वैनिश हो जाता है और जो डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब है ऑपरेटर उसको हम कैपिटल डी से डिनोट कराते हैं ताकि सॉल्यूशन हमारा इन शॉर्ट आसान हो जाए. अब ये एक इक्वेशन है जिसकी डिग्री है थ्री, इट मींस इसके जो रूट्स होंगे वो थ्री होंगे. इन अदर वर्ड्स इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो तीन होंगे आफ्टर फैक्टराइजेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है वो फैक्टर्स या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व हो जाती है मिडिल टर्म ब्रेक करके. अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? अब थर्ड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है, वन बाय वन ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ वन एंड टू थ्री सो ऑन. अब जीरो को छोड़ के वन टू थ्री वो वैल्यूज हम इसमें वन बाय वन पुट करेंगे, लेकिन प्लस वन तो माइनस वन दोनों स्टेप बाय स्टेप पुट करेंगे, फिर प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री माइनस थ्री. तो जिस डी की वैल्यू पे सपोज डी इक्वल टू टू पे ये हमारा लेफ्ट का रिजल्ट भी जीरो हो जाता है तो वो एक फैक्टर होगा. ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन, यहां पे हम कहते हैं पुट डी इक्वल टू वन. तो जब डी की वैल्यू हम वन रखते हैं, वन का क्यूब वन माइनस सिक्स वन स्क्वायर वन माइनस सिक्स दैट इज माइनस फाइव प्लस अलेवन वन अलेवन और इधर हो गया माइनस सिक्स तो ये प्लस का अलेवन और यहाँ पे माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस अलेवन सो प्लस अलेवन माइनस अलेवन इक्वल टू जीरो. हमने डी की वैल्यू वन पुट की है तो ये हमें जीरो मिल गया. अब अगर वन पे जीरो नहीं मिलता तो हम माइनस वन रखेंगे, शायद उस पे जीरो मिल जाए फिर टू मिलेगा, उस पे नहीं मिलेगा तो टू रखेंगे. इसी तरह विद इन वन टू थ्री हमें कोई भी वैल्यू ऐसी मिल जाती है जिसपे जीरो आंसर आएगा. वो लेस देन फाइव वैल्यूज पे कहीं ना कहीं हमें वो वैल्यू मिल जाएगी, प्राइम वैल्यू जिसपे रिजल्ट हमारा जीरो बन जाता है. तो डी इक्वल टू वन पे जीरो हुआ तो वी से दैट डी इज ए फैक्टर, डी इक्वल टू वन इज ए फैक्टर और रूट ऑफ द इक्वेशन. अब सिंथेटिक डिविजन का नाम आपने सुना होगा, ये कॉलेज लेवल पे भी है, आपने की होगी. मेथड इन शॉर्ट में जल्दी जल्दी ट्राई करता हूं समझाने की. d इक्वल टू वन, इस वन को आप यहाँ साइड में लिख दें, ये वन ये वाला वन है जो d की वैल्यू है. इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स, d क्यूब का कोएफिशिएंट वन, d स्क्वायर का माइनस सिक्स, d का इलेवन और ये कांस्टेंट माइनस, ये लाइन से लिख लें. अब हमारी डिवीजन शुरू होती है. व्हाट यू विल डू फर्स्ट, ये जो फर्स्ट वन है इसको यहां उतारना है, इस वन से इस वन को मल्टीप्लाई करना है. वी विल गो ज़िगज़ैग, वन वन ज़ा वन यहां पे लिखें. अब इनको सिंपल ऐड करें, माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव. अब इस वन को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करें, वन इंटू माइनस फाइव माइनस फाइव, अलेवन माइनस फाइव सिक्स. अब इस वन को सिक्स से मल्टीप्लाई करें, वन सिक्स ज़ा सिक्स, माइनस सिक्स प्लस सिक्स जीरो. सो दिस वैनिशेस एंड वी गेट थ्री कोएफिशिएंट्स, वन माइनस फाइव सिक्स. पहले हमारी डिग्री इक्वेशन की थ्री थी, अब इसको सेकंड डिग्री में इन कोएफिशिएंट के साथ लिखना है इक्वेशन को, यानी ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस फाइव डी और ये हो जाएगा प्लस सिक्स कांस्टेंट. डी क्यूब को हमने डिवाइड कर दिया ना एक वैल्यू से डी की, तो अब ये स्क्वायर में हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा और ये वही कोएफिशिएंट है जो ऊपर थे. तो अब ये हो गया डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स. ये डी माइनस वन कहाँ से आया,
इस वन को लेफ्ट पे ले जाएं तो ये हो जाएगा डी माइनस वन इक्वल टू जीरो, विच इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। जो हमने पहले हमने वैल्यू वन माइनस वन टू माइनस टू रखी थी, ये भी फैक्टर है और डिवाइड करने के बाद ये भी फैक्टर है डी माइनस वन, और दूसरे फैक्टर आ गए डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स। अब इनको हम मिडल टर्म ब्रेक या क्वाड्रेटिक फार्मूला से फैक्टराइज करेंगे। वेरी सिंपल, मिडल टर्म ब्रेक होगा माइनस टू डी माइनस थ्री डी। सो व्हेन यू टेक कॉमन डी तो अंदर बचेगा डी माइनस टू, और माइनस थ्री डी में से माइनस थ्री कॉमन बचेगा तो यहाँ हो जाएगा डी माइनस थ्री। तो कॉमन ब्रैकेट इज डी माइनस थ्री एंड डी माइनस टू। सो दो ब्रैकेट हम यहाँ से मिल गए, एक हमारा फर्स्ट ब्रैकेट जो यहाँ से मिला था। हेंस जो इसके जैसे डिग्री थ्री है तो हमने कहा था कि इसके तीन रूट्स आएंगे, तो वील गेट थ्री वैल्यूज ऑफ रूट्स विच आर टर्म्ड एज एम वन एम टू एम थ्री। मीन्स डी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो मीन्स डी इक्वल टू वन, डी माइनस टू इक्वल टू जीरो मीन्स डी इक्वल टू टू, एंड सिमिलरली डी इक्वल टू थ्री। हेंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है और तीनों अलग अलग है, रिपीटेड नहीं। तो ये हमारा केस वन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था। तो एम वन की वैल्यू है वन, एम टू की वैल्यू है टू, एम थ्री की वैल्यू है थ्री। सो सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी वन ई रेस्ट एम वन एक्स दिस वन प्लस सी टू एम टू एक्स टू एक्स और प्लस सी थ्री एम थ्री एक्स, एम थ्री इज थ्री प्लस सी थ्री ई रेस्ट थ्री एक्स। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। So here we are with another example of higher order differential equation, d cube minus 4d square plus d plus 6. So using the same procedure, put d equal to 1, 1 minus 4 and 1, that makes it minus 4 plus 2 minus 2 and plus 6, 6 minus 2 4. अब जब हमने इसमें 1 रखा है तो इसका आंसर 4 आ रहा है, मीन्स वन इज नॉट करेक्ट। अब आप माइनस वन रखें, माइनस वन का क्यूब माइनस वन माइनस फोर, दैट मेक्स इट माइनस फोर माइनस फाइव, और इस डी की जगह माइनस वन तो माइनस सिक्स और प्लस सिक्स। तो जब हमने इसमें माइनस वन रखा डी की जगह तो हमें आंसर आया माइनस सिक्स प्लस सिक्स कैंसिल हो गया, आंसर आया जीरो। सो डी इज इक्वल टू माइनस वन इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये एम वन की वैल्यू पहला रूट हमें ऐसे मिलता है। अब यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इस माइनस वन को यहाँ रखें, इसके कोएफिशिएंट्स यहाँ रखें वन माइनस फोर वन सिक्स, प्लेस दिस वन हेयर माइनस वन इंटू वन माइनस वन एट दैम माइनस फाइव, माइनस वन इंटू माइनस फाइव प्लस फाइव एट दैम सिक्स, माइनस वन इंटू सिक्स माइनस सिक्स दिस बिकम्स जीरो। अगर आपकी सिंथेटिक डिवीजन करेक्ट है तो आखिर में यहाँ जीरो बचेगा। सो थर्ड डिग्री को रिड्यूस किया हमने टू डिग्री में, वी हैव डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स, दिस वाज द सेम वैल्यू दैट केम इन द प्रीवियस क्वेश्चन। इसके फैक्टर्स जो हमने किए थे वो थे डी माइनस टू डी माइनस थ्री। अच्छा, ये जो माइनस वन है ये जब लेफ्ट पे आ जाएगा तो इसका पहला फैक्टर हो गया डी प्लस वन। तो रूट्स हमें जो मिले, एक रूट हमें एम वन मिला था माइनस वन, और इस माइनस टू को राइट पे लेने डी माइनस टू इक्वल टू जीरो, सो डी इज इक्वल टू टू एंड डी इक्वल टू थ्री। एज द रूट्स आर माइनस वन टू थ्री, एम वन इज माइनस वन, एम टू इज टू एंड एम थ्री इज थ्री। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, सी वन ई रेस्ड माइनस वन एक्स, सी टू ई रेस्ड टू एक्स, सी थ्री ई रेस्ड थ्री एक्स। So these were the two cases of the real and distinct roots of the higher order differential equation. So in next video we shall be showing you the roots of the repeated roots of higher order differential equation.